नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हरी चटनी कैसे बनाएं, फटाफट बनाने का बढ़िया तरीका। ये होटलों में आपको या फिर पकौड़े के साथ खाना है या फिर जो है चाट पर पड़ती है हरी चटनी, ये वही है। तो इसके लिए जो है आपको क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। धनिया चाहिए हमें 50 ग्राम, इसके अलावा 4 हरी मिर्च, थोड़े से 8-10 पुदीने के पत्ते, इसके अलावा हमें चाहिए 10 लहसुन की कलियां जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमें करीब 1.5 इंच अदरक चाहिए छिला हुआ, आधा चम्मच नमक चाहिए, ये जो है टीस्पून आधा चम्मच है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच जो है नींबू का रस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये नींबू का रस है, 1 चम्मच चाहिए। इसके अलावा चाहिए 1 बड़ा चम्मच जीरा, काला नमक चाहिए हमें आधा चम्मच, आधा टीस्पून जो होता है वो चाहिए। इसके अलावा चाहिए हमें 1 प्याज और 1 टमाटर चाहिए। तो दोस्तों इन सब को जो है हम मिक्सी में जो है पीसेंगे। उससे पहले क्या डालना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इसमें एक खास चीज डालनी है, पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों जैसे कि आप ये धनिया देख रहे हैं तो पूरी डंठल सहित डालें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा हमें इसे पानी नहीं डालना है, सिर्फ नींबू का रस डालना है, वो भी आधा नींबू। इसके अलावा हम इसमें जो है बर्फ के 2-3 पीस डालेंगे, ये देखिए, और इसको अभी हम ग्राइंड करेंगे। दोस्तों देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है इसमें आपको कोई भी पानी नहीं डालना है, सिर्फ आइस क्यूब डालना है, और आप इसको आराम से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हाल है हमारी चटनी का। वाह, बहुत बढ़िया चटनी बनी है। आप इसको चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है पकौड़े के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको समोसे के साथ भी खा सकते हैं, और 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होने वाला, आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बढ़िया बिल्कुल चटनी तैयार है, देखिए। तो दोस्तों इस तरह से चटनी बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।